नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। विश्वसनीयता और मजबूती को कायम रखना हर भारतीय का कर्तव्य है, जिसमें चुनाव आयोग की भूमिका सबसे अहम है। वर्तमान में मतदान के लिए ईवीएम का इस्तेमाल किया जाता है। जनादेश को प्रभावित करने के लिए ईवीएम से छेड़खानी हो सकती है या नहीं हो सकती, यह तकनीकी विषय है। लेकिन आज पूरे देश का अधिकांश जनमानस ईवीएम को संदेह की नज़र से देख रहा है, जो कि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की विश्वसनीयता के लिए ठीक नहीं है। चुनाव आयोग को ऐसी मतदान प्रणाली अपनानी चाहिए जो विश्वसनीय और पारदर्शी हो। ईवीएम पर संदेह का सबसे बड़ा आधार यह है कि ईवीएम और वीवीपीएटी मतदाता का नहीं, बल्कि वह ईवीएम में लगे सॉफ्टवेयर का आदेश मानता है। सॉफ्टवेयर क्या है, उसकी प्रोग्रामिंग क्या है, यह मतदाता को नहीं पता है। इसका आशय यह है, मतदाता का वोट ईवीएम वीवीपीएटी का सॉफ्टवेयर डला रहा है। यह मतदान प्रणाली न तो पारदर्शी है और न ही भरोसेमंद है। चुनाव निष्पक्ष, पारदर्शी और विश्वसनीय हो, यह चुनाव आयोग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मतदाता के द्वारा किए गए वोट की वीवीपीएटी पर 7 सेकंड की झलक दिखाकर वोट को बॉक्स में गिराने की बजाय वीवीपीएटी द्वारा प्रिंट किए गए वोट को मतदाता के हाथ में दिया जाए, जिसे वह मत पेटी में स्वयं डाल सके और मतगणना में मतदाता द्वारा डाले गए वोट को गिना जाए। इस अवसर पर पूर्व नगर परिषद उचेहरा के अध्यक्ष हरीश ताम्रकार, आदित्य प्रताप सिंह एड, अन्नपूर्णा तिवारी, महिला कांग्रेस की नगर अध्यक्ष सोनू पांडे, झल्ली ताम्रकार, दीपांशु समदारिया, राजकिशोर वर्मन एड, दिनेश ताम्रकार, रामरहीस यादव, अर्जुन सिंह इत्यादि उपस्थित रहे। लेकिन जो वीवीपैट में जो पर्ची कुछ सेकंड के लिए दिखाई देती है और फिर इसके बाद वो बॉक्स में चली जाती है, उसकी काउंटिंग तो होती नहीं है।